विंटर्स हो या मॉनसून हो, गर्मा गर्म कढ़ी सूप पीने में बहुत मज़ा आता है। चलिए आज मैं आपके साथ मेथी कढ़ी की रेसिपी लाई हूँ। उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही ली है। ये दही खट्टा है, यानी 2 दिन पुराना है। दही खट्टा हो तो कढ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। 1 कप खट्टा दही लेंगे और 2 टीस्पून बेसन डालेंगे और इस दोनों को अच्छे से चर्न कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं हो, यानी बेसन और दही की गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो मिक्सचर है एकदम चिकना होना चाहिए। घोटने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, तो लगभग मैं यहाँ पर 1 कप जितना पानी और डाल रही हूँ और इसे मैं और घोट लूँगी। बेसन या दही की गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसे रखूँगी मैं साइड में क्योंकि मैं मेथी कढ़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी वाली मेथी ले ली है जो खाने में इतनी ज़्यादा गुणकारी है, टेस्ट इसका कड़वा रहेगा लेकिन कढ़ी के साथ ये बेस्ट कॉम्बो रहेगा। मेथी के जो रूट्स है ना उसे पहले कट करेंगे और इस मेथी को 4-5 बार अच्छे से धो लीजिए क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी रहता है। 4-5 बार अच्छे से धोने के बाद चन्नी में निकाल के साइड में रख दी। मिट्टी की हांडी मैंने रख दी गैस पर स्लो फ्लेम पर। इसमें जो कढ़ी बनेगी ना उसमें हल्का सा सोंधी खुशबू आएगा मिट्टी का, जिससे कढ़ी और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। 3 टीस्पून तेल डालिया है, राई और जीरा डालेंगे और इसे चटकने देंगे। साथ ही 3 लौंग और 2 इलायची डालेंगे। 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे, 2 सूखी बोरिया मिर्ची और कुछ कड़ी पत्ता डालेगी और इसे अच्छे से सौटे करेगी। हींग डालें, थोड़ा सा कैप्रिका पाउडर डाल दें और जो हमने मेथी धो के रखा था ना वो इसमें डाल देंगे। तो लगभग ये 1/2 कप जितना मेथी है और तुरंत ही दही बेसन का मिक्सचर डाल देगी और इसे मिक्स करते जाएंगे। वो जो हांडी थी ना उसमें मैंने और थोड़ा पानी डाल दी है और वो पानी इस कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बस इसे लगातार मिक्स करते रहना होगा वरना आपकी कढ़ी फट जाएगी। 2-3 उबाल तक इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। कढ़ी को आप जितना अच्छे से उबालोगे मेथी और लौंग इलायची का स्वाद उतना ही ज़्यादा गहरा आएगा। कम से कम 10-12 मिनट इस कढ़ी को उबाल दें। उबालने के बाद देखिए एक बढ़िया सी मेथी कढ़ी तैयार है। इसे मैं और ऊपर से बारीक कटी हुई छोटी मेथी डाल रही हूँ डंठल के साथ और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। इसे आप ऐसे ही पी सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो या खिचड़ी के साथ। तो कभी आपने मेथी कढ़ी इस तरह ट्राई नहीं किया हो, ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझसे पिक ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माई रेसिपीज़।